नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म एग्जाम गंगा में। आज के वीडियो क्लास में हम पढ़ेंगे नेटवर्क सिक्योरिटी। ठीक है, नेटवर्क सिक्योरिटी जानने से पहले हम पहले जान लेते हैं कि साइबर स्पेस क्या होता है, साइबर वारफेयर क्या होता है और साइबर क्राइम क्या होता है। ठीक है, तो पहले जानते हैं साइबर स्पेस। साइबर स्पेस क्या होता है? जो कंप्यूटर जो नेटवर्क है उसमें जो बहुत सारा जो सूचनाओं का भंडार है उसको एक काल्पनिक नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? साइबर स्पेस। ठीक है, मतलब जितनी भी सूचना है कंप्यूटर या कंप्यूटर का नेटवर्क उसमें जितना भी भंडार है सूचनाओं का उसको साइबर स्पेस कहते हैं। ठीक, ये काल्पनिक नाम दिया किसने था? ये दिया था विलियम गिब्सन ने। ठीक है, इनकी एक किताब आई थी, कब आई थी? 1984 में आई थी, न्यूरोमेंसर नाम से। ठीक है, न्यूरोमेंसर। तो इस किताब में पहली बार साइबर स्पेस वर्ड का यूज किया गया था। ये काल्पनिक नाम है, ठीक है, और ये कल्पना विज्ञान के लेखक थे, कल्पना विज्ञान के लेखक थे। ठीक है, तो इन्होंने पहली बार साइबर स्पेस वर्ड का यूज किया। आजकल जो है इंटरनेट को या फिर जो नेटवर्क है उसको साइबर स्पेस नाम दिया जाता है, लेकिन वो थोड़ा गलत है, वो थोड़ा छोटा हो गया, क्योंकि इंटरनेट के अलावा और भी जो कंप्यूटर होते हैं उनमें भी इंफॉर्मेशन होती है, उसमें भी डाटा होता है, तो वो भी किसमें आते हैं? साइबर स्पेस में आते हैं। ठीक है, अब जानते हैं साइबर वॉरफेयर क्या होती है। साइबर वॉरफेयर, वॉरफेयर मतलब क्या होता है? वॉरफेयर मतलब होता है वार, जिसको हम क्या कहते हैं? युद्ध। जब भी कोई देश किसी दूसरे देश के नेटवर्क में, कंप्यूटर नेटवर्क में घुसकर, ठीक है, उसके डाटा को चुराता है, उसको नष्ट करता है या करप्ट कर देता है, या फिर नेटवर्क को ही बाधित कर दे, मतलब ठप कर दे, जिससे कि जो उस देश में कंप्यूटर जो नेट है वो बिल्कुल ना चल पाए, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? साइबर वॉरफेयर। ठीक है, और ये युद्ध का पांचवा क्षेत्र भी है। बाकी चार क्षेत्र कौन से हैं? जैसे हम लोग कहते नहीं हैं, जल, थल और वायु, ये तीन क्षेत्र हम लोग जानते हैं। एक होता है अंतरिक्ष और दूसरा हो गया हमारा नेटवर्क। नेटवर्क के जरिए युद्ध करना को हम क्या कहते हैं? साइबर वॉरफेयर। ठीक है, अब जानते हैं क्या? साइबर क्राइम। साइबर क्राइम क्या होता है? साइबर क्राइम होता है कंप्यूटर या फिर इंटरनेट, कंप्यूटर और इंटरनेट से कोई भी गैर कानूनी काम करना, ठीक है, कोई भी अपराध करना, उसको हम साइबर क्राइम कहते हैं। ठीक है, नेटवर्क, इंटरनेट या कंप्यूटर की मदद से कोई भी गैर कानूनी काम करने को हम लोग साइबर क्राइम कहते हैं। ठीक है, तो साइबर क्राइम होते कौन कौन से हैं देखते हैं। जैसे हम किसी को बिना बताए किसी का नेटवर्क यूज़ करें, ठीक है, अब तो वाईफाई पासवर्ड पूछ लेते हैं, बिना वाईफाई पासवर्ड पूछे अगर आप अपने दोस्त का वाईफाई यूज़ करते हैं तो वो भी साइबर क्राइम में ही आता है। ठीक है, मतलब आप ऑथोराइज नहीं है उसके लिए, ऑथोराइज यूज़र नहीं है, उसने आपको नहीं दिया है वाईफाई का पासवर्ड, लेकिन आप फिर भी जान के ज़बरदस्ती यूज़ कर रहे हैं, तो उसको क्या कहते हैं? साइबर क्राइम। ठीक, मतलब नेटवर्क का अनऑथराइज यूज। अनऑथराइज्ड यूज, ठीक है। अब एक और होता है कि किसी का हम लॉगिन आईडी पासवर्ड जान लें, ठीक है, फिर उसके जो प्राइवेट जो फाइल्स हैं और कॉन्फिडेंशियल जो फाइल हैं उसको हम चुरा लें, ठीक है, किसी नेटवर्क में हम गड़बड़ी कर दें, किसी नेटवर्क से के जरिए उसके मतलब किसी कंप्यूटर के डाटा को हम नष्ट कर दें, ठीक है, या फिर असामाजिक जो चित्र होते हैं, तथ्य होते हैं, जो झूठे पोस्ट होते हैं उनको हम प्रेषित करें, मतलब उनको हम नेट पे डालें, तो वो भी हमारा क्या होता है? साइबर क्राइम ही होता है। तो साइबर क्राइम से बचने के तरीके क्या होते हैं? साइबर क्राइम से बचने के लिए होता है हमारा प्रॉक्सी सर्वर। पहला आता है प्रॉक्सी सर्वर,
दूसरा होता है हमें फायरवॉल का यूज़ करना चाहिए। ठीक है, हम लोग फायरवॉल का भी यूज़ कर सकते हैं। प्रॉक्सी सर्वर क्या होता है, फायरवॉल क्या होता है? प्रॉक्सी सर्वर हमारा वो सर्वर होता है, कोई हार्डवेयर भी हो सकता है और सॉफ्टवेयर भी हो सकता है। ठीक है, हार्डवेयर में क्या होता है, कंप्यूटर सिस्टम होता है। ठीक है, और सॉफ्टवेयर में कोई सॉफ्टवेयर यूज जो प्रोग्राम होता है वो हो सकता है। ठीक, तो ये क्या करता है, जैसे हमारा कोई कंप्यूटर है, ये मेरा कंप्यूटर है। ठीक, तो ये जो होता है बीच में प्रॉक्सी सर्वर से जुड़ा होता है, जब भी इसको इंटरनेट यूज़ करना होता है, ठीक है, हमको तो ये प्रॉक्सी सर्वर को जो रिक्वेस्ट भेजता है इंटरनेट यूज़ करने के लिए, ठीक है, तो ये जो है जांच करता है पहले कि ये ऑथेंटिकेट यूज़र है या नहीं। अगर मिलता है, अगर सही पाया जाता है, तो ही ये इसको मेन सर्वर से कनेक्ट करता है, यानी फिर इंटरनेट से। ठीक है, तो ये एक तरीके का हमारा क्या करता है, एक ब्रिज बनाता है हमारे और मेन सर्वर, जिसको हम इंटरनेट कहते हैं। ठीक है, और अनऑथराइज एक्सेस को रोकता है। ठीक, और इसी तरह हमारा फायरवॉल भी काम करता है। फायरवॉल क्या करता है, जो नेटवर्क में लगा होता है, कोई भी जो अनऑथराइज यूज़र है वो नेटवर्क को बिना उसकी इजाज़त के यूज़ नहीं कर सकता है, इसलिए इसमें लॉगिन पासवर्ड भी होता है। ठीक है, जिसके पास लॉगिन पासवर्ड होता है उसको वो यूज़ करने देता है नेटवर्क को। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फायरवॉल। अब तीसरा हो गया हमारा एंटीवायरस, भी यूज़ कर सकते हैं, एंटीवायरस ज़रूर यूज़ करना चाहिए। ठीक है, एंटीवायरस क्या होता है, एंटीवायरस हमारे प्रोग्राम होते हैं। ठीक, जो क्या करते हैं, जो वायरस से हमारे जो कंप्यूटर है उसकी रक्षा करते हैं। ठीक है, हमारे कंप्यूटर की वायरस से रक्षा करते हैं। अब देख लेते हैं वायरस क्या होता है। ठीक है, अच्छा, साइबर क्राइम से बचने का एक और तरीका है, जो अपना जो लॉगिन आईडी और पासवर्ड है उसको सुरक्षित रखना चाहिए। ठीक है, और टाइम टाइम पे अपने पासवर्ड को बदलते रहना चाहिए, तो वो भी एक तरीका है। ठीक है, तो अब देखते हैं वायरस, एंटीवायरस मैंने बता दिया क्या होता है, अब देखते हैं टाइप्स ऑफ वायरस। टाइप्स, ठीक है, पहला होता है हमारा वर्म। वर्म क्या होता है, वर्म हमारे कोई प्रोग्राम होता है एक, जो द्वेषपूर्ण होता है। ठीक है, मतलब वो करप्टेड होता है, छोटा प्रोग्राम होता है। जो वायरस होते हैं वो भी प्रोग्राम ही होते हैं, जो किसी मेन प्रोग्राम के साथ अटैच रहते हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, जब भी हम उस प्रोग्राम को चलाते हैं जिससे ये अटैच हैं, तो ये भी अपने आप ही अपने चलने लगते हैं। ठीक है, ये एक्टिव हो जाते हैं और क्या करते हैं, हमारी मेमोरी में जाके बैठ जाते हैं। मेमोरी जो होती है उसमें जाके बैठ जाते हैं, फिर क्या होता है, जो स्पेस होता है मेमोरी का, उसमें ना अपने आप को कॉपी करने लगते हैं, उसको भरने लगते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है, हमारा कंप्यूटर स्लो हो जाता है और जो होता है हमारी जो मेमोरी होती है वो क्रैश हो जाती है। अच्छा, वायरस जो होता है वो कभी भी हार्डवेयर को नुकसान नहीं पहुंचाता है। ठीक है, जो आपका डाटा है उसको नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, और जो होता है वायरस जो होता है हमारा जो मेमोरी का जो बूट सेक्टर, जो हार्ड डिस्क का जो बूट सेक्टर होता है, बूट सेक्टर, उसमें भी अपने आप को कॉपी कर लेता है। और जब कंप्यूटर जितनी बार बूट होता है वो अपने को उतने गुना बढ़ा लेता है। ठीक, तो इससे क्या होता है, पूरा फैल जाता है हार्ड डिस्क में। ठीक है, तो हमारा जो डाटा है वो करप्ट हो जाता है, हमारी हार्ड डिस्क भी क्रैश हो जाती है। ठीक, तो वायरस जो होता है, पहले हम वर्म देख लेते हैं। ठीक है, वर्म एक टाइप होता है। वर्म क्या होता है, वर्म जो होता है अपने आप को कॉपी करता है। ठीक है, जहाँ भी मेमोरी में खाली स्पेस दिखेगा ये अपने आप को कॉपी करता है, फिर मल्टीपल टाइम्स ये अपने आप को कॉपी करता चला जाता है, जब तक कि जो पूरा स्पेस है उसको खा ना जाए। ठीक है, मतलब उसको अपन भर देता है, पूरा स्पेस ले लेता है, तो उससे हमारा कंप्यूटर स्लो हो जाएगा। ठीक, और हमारी मेमोरी जो है क्रैश हो जाएगी। दूसरा हम देखते हैं क्या, ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स क्या होता है, ट्रोजन हॉर्स हमारे जो ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं ये अपने आप को दिखाते हैं कि हम बहुत यूज़फुल हैं। ठीक है, एक टूल की तरह दिखाते हैं कि मतलब बहुत ज़्यादा हम यूज़फुल हैं। तो जैसे ही हम क्लिक करते हैं ये क्या होते हैं, ये इंस्टॉल हो जाते हैं कंप्यूटर में। ठीक, और ये जो है बैकग्राउंड में चलते हैं, सामने आपको दिखाई नहीं पड़ेगा लेकिन बैकग्राउंड में चलते हैं,
किस लिए चलते हैं? कि जिसने इनको बनाया है उसको उस कंप्यूटर की सारी इन्फॉर्मेशन ये प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, और उसका यूज़ करने के लिए, कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहेगा तो यूज़ करने के लिए चाहेगा, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे ट्रोजन हॉर्स। अब तीसरा हम देखते हैं हमारे स्पाईवेयर। स्पाईवेयर जो स्पाईवेयर होते हैं वो क्या होते हैं, स्पाई मतलब जासूसी के लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। किसी का पासवर्ड जान लेना, फिर उसके जो प्राइवेट जो फाइल्स हैं या फिर जो उसकी जो गुप्त फाइलें हैं उसको जानना, ठीक, फिर उसका दुरुपयोग करना, ये स्पाईवेयर का काम होता है, ठीक है। मतलब ये जो डाटा को जो इनको बनाता है उसको पहुंचाते हैं उसको यूज़ करने के लिए, ठीक। अब देखते हैं चौथा हमारा स्केयरवेयर। स्केयरवेयर क्या होते हैं, जब हम इंटरनेट खोलते हैं, ठीक है, तो उसमें ना हमें फ्री एंटीवायरस नाम का एक आता है, ठीक है, कि फ्री एंटीवायरस ले लो, ऐसे हम लोगों को दिया जाता है कि फ्री एंटीवायरस है ये और फ्री सॉफ्टवेयर टाइप का। तो जैसे ही हम उस पर क्लिक करते हैं ये क्या अपना काम करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। पहले तो हमको लगता है ये एंटीवायरस है, बचाएंगे हमारे कंप्यूटर को, लेकिन ये फिर क्या होते हैं, वायरस होते हैं जो हमारे कंप्यूटर का स्पेस खाने लगते हैं, ठीक है। अब चौथा देखते हैं क्या होता है, पांचवा मैलवेयर। मैलवेयर क्या होते हैं, जितने भी हमारे वायरस हैं, चाहे वर्म हो, ट्रोजन हॉर्स हो, स्पाईवेयर हो, स्केयरवेयर हो, ये सब हमारे क्या होते हैं, ये सब हमारे मैलवेयर होते हैं, ठीक है। अच्छा देखते हैं की लॉगर। की लॉगर नाम से ही पता है चल रहा है, की के बारे में बताते हैं। तो मतलब जैसे जैसे हम जैसे अपना पासवर्ड कैसे टाइप करते हैं, तो ये सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, वो की का पैटर्न जो है वो अपने जो उन्होंने बनाया, जिसने बनाया है इसको की लॉगर को, उसको भेजते हैं, ठीक है। पासवर्ड जैसे हम लिखते हैं या फिर कोई वेबसाइट की हमने क्या क्या देखा, तो वो जो है की लॉगर का काम होता है उसको अपने जो यूज़ करता है जिसने बनाया है उसको पहुँचाने का, ठीक है। तो असल में जो अनऑथराइज जो यूज़र होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, हैकर कहते हैं। अब जान लेते हैं हैकर क्या होते हैं। हैकर यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। हैकर क्या होते हैं, हैकर कोई एक व्यक्ति होता है जो क्या करता है, जो नेटवर्क में अनऑथराइज एक्सेस करता है, ठीक है, और उसकी कमियों का पता लगाने के लिए या फिर उसका जो है मिसयूज करने के लिए नेटवर्क का, तो उसको हम क्या कहते हैं, हैकर कहते हैं, अनऑथराइज पर्सन होता है, ठीक है। तो इसमें भी तीन टाइप होते हैं। पहला होता है हमारा वाइट हैट, वाइट हैट हैकर, ठीक है। ये क्या होता है, वाइट हैट हैकर वो होता है जो किसी कंप्यूटर या नेटवर्क जो सिस्टम होता है उसकी जो कमियां होती हैं उसको दूर करने के लिए उसमें अनऑथराइज एक्सेस करता है, ठीक है। उसको दूर करने मतलब उसका जो उद्देश्य है वो खराब नहीं है, वो केवल कमियों को जानने के लिए उसको यूज करता है, ठीक है। तो हमारा हो गया व्हाइट हैट हैकर। दूसरा आता है हमारा ब्लू हैट हैकर। ये क्या करता है, ये कमियों को जानकर उनको जो है सही करता है, मतलब कमियों को जान के उनको सही करने वाला ब्लू हैट हैकर होते हैं। ये दोनों एथिकल हैकर कहलाते हैं, ठीक है, एथिक्स होते हैं इनके पास, मतलब अच्छे होते हैं, ये किसी नुकसान नहीं पहुंचाने के लिए हैकिंग करते हैं। लेकिन अब जो तीसरा आता है उसको हम कहते हैं ब्लैक हैट हैकर। ब्लैक हैट हैकर ये अपने फायदे के लिए किसी नेटवर्क का यूज करता है, ठीक है, चाहे वो फाइनेंशियल हो, ठीक है, किसी भी तरीके का जो लाभ लेने के लिए ये नेटवर्क को एक्सेस करता है, अनऑथराइज पर्सन होते हैं ये हैकर, ठीक है। और इसी को हम कहते हैं क्रैकर भी कहते हैं, क्रैकर, ठीक। तो ये हमारा क्या ब्लैक हैट जो हैकर है उसको हम क्रैकर भी कहते हैं, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया, वायरस पढ़ लिए, अब जानते हैं एंटीवायरस। एंटीवायरस ठीक है, कुछ हमारे एंटीवायरस होते हैं। एंटीवायरस एंटीवायरस वो प्रोग्राम होते हैं जो हमारे कंप्यूटर को वायरस से बचाते हैं, ठीक।
वायरस से बचाने के लिए क्या होता है, हम एंटीवायरस एंटीवायरस प्रोग्राम यूज़ करते हैं। ठीक, तो जैसे कुछ एंटीवायरस प्रोग्राम होते हैं, जैसे क्या होता है हमारा AVG हो गया, Avast हो गया और McAfee हो गया, फिर Kaspersky भी आता है, ऐसे हमारे बहुत सारे एंटीवायरस प्रोग्राम होते हैं, तो इनको हमें ना ज़रूर यूज़ करना चाहिए। अच्छा, एंटीवायरस प्रोग्राम क्या करता है, जब हम किसी भी प्रोग्राम को रन करते हैं तो ये सबसे पहले उस प्रोग्राम में वायरस को ढूंढता है। ठीक है, पहले उसकी स्कैनिंग करता है इंस्टॉल करने से पहले, तो हमें ना पता चल जाता है कि इसमें वायरस है या नहीं। तो इस प्रक्रिया में ना तो कंप्यूटर हमारा स्लो काम करता है। ठीक है, तो इसकी वजह से ना कंप्यूटर स्लो भी रहता है लेकिन सेफ रहता है। ठीक है, तो एंटीवायरस का हमेशा यूज़ किया करिए। तो आज का हमारा कंटेंट आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।